हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन कैरियर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग लास्ट टाइम पे जो केमिकल बॉन्डिंग के एमओटी के और हाइब्रिडाइजेशन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था और उस पर कई सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब आप लोग अपने कैरियर के लिए काफ़ी सीरियस हैं और डेफिनेटली हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ को बनाते रहेंगे आगे, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं ये कहूँ कि लाइक इसको अगर पूरा पढ़ेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इसके जो अगले टॉपिक का है उसकी एप्लीकेशन जो आती है वो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है हमारा और इसके साथ में थर्मोकेमिस्ट्री भी आता है, राइट। तो थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जेईई मेंस में काफी चांसेस होते हैं आने के, एज वेल एज नीट ऑल्सो, ठीक है। दोनों में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन को यूज करके, लाइक उसकी एंट्रोपी की एप्लीकेशन हो गई, लाइक उसकी अगर हम लोग आगे बात करें ग्रिफ्थ की एनर्जी की हो गई, वर्क डन की हो गई, एन्थैल्पी की हो गई, तो इन सब टॉपिक्स को मिला के वो क्या करता है, आपका फॉर्मेशन, कंबंशन, वेपराइजेशन, इन सब चीजों में बनाता है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स कुछ टर्म्स के बारे में और कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जहां हम वर्क के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। हालांकि हम आपको डेरिवेशंस के फॉर्मेट में नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहे हैं जिससे आप कम टाइम में चीजों को अच्छे से कैच कर पाओ। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, थर्मो और डायनामिक्स इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है? पहले बात तो इसके बारे में समझिए, थर्मो का मतलब होता है हीट, क्या होता है हीट, और डायनामिक का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हो सकता है, मूवमेंट्स हो सकता है, मतलब जब हीट क्या करती है, मूव करती है किसी एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में, तो वो जो दोनों का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैरा गिल शॉक लॉ, स्टेट ऑफ मैटर को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैं पी वर्सेस वी का ग्राफ लिख रहा हूं यहाँ पे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टैटिकल पाथ, ठीक है, मतलब कि होता क्या है कि ये आपकी एक ऐसी स्टैटिकल पाथ होती है जो किसी भी टाइम पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का एग्जैक्टली जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, यू कह ले कि उसका जो स्टैटिकल पाथ होता है, चाहे वो स्टेट फंक्शन के लिए हो, चाहे वो नॉन स्टेट फंक्शन के लिए हो, उसको वो डिफाइन करता है, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का स्टैटिकल पाथ डिफाइन करता है। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए पहले। अच्छा, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल आप फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिकल से कई सारी चीजें जो होती है वो रिलेट करती है केमिस्ट्री को भी लेके, एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है यूनिवर्स की मैकेनिज्म पे। अच्छा, यूनिवर्स क्या होता है, दैट्स अ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अभी आप कहोगे सर सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज ये मार्कर है, अगर मैंने इसको सिस्टम का, सिस्टम इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जैसे जो भी चीजें हम देखते हैं, अगर हम अपने आप को खुद को कॉन्स्टेंट मान ले, खुद को स्पेसिफिक पार्ट मान ले इस यूनिवर्स का, तो वो सिस्टम होता है डेफिनेटली। अब इसके रिमेनिंग जो चीजें होंगी वो क्या हो जाएगी, आपकी सराउंडिंग हो जाएगी। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सिस्टम और सराउंडिंग, सपोज एक कंटेनर है, अब उस कंटेनर में आपने क्या किया, किसी भी गैस को भर दिया या किसी भी मैटर को आपने रखा हुआ है, तो जो इसके अंदर का इंटायर मैटर है, ठीक है, उसको हम लोग सिस्टम का नाम अगर देते हैं, क्या देते हैं, सिस्टम। तो जाहिर से बात है उसके बाहर का पार्ट आप देख रहे हो, बाहर का एरिया जो आप देख रहे हो, इसमें जो भी चीजें होंगी वो इसका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। सो प्लीज आप इन दो पॉइंट्स की टिप ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मोडायनेमिक्स की जो क्वांटिटी होती है, स्टेट होती है, वो यूनिवर्स को ही होके जाती है। एंड यूनिवर्स इज द सिस्टम प्लस सराउंडिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि सिस्टम इज द स्पेसिफिक पार्ट एंड सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट। आप लोगों को बहुत ही समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे चल के इसमें टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज की या प्रॉपर्टीज की। जैसे कि जैसे आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो हालांकि आपको पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया था, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं।
टाइप्स ऑफ सिस्टम, तीन टाइप के, पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अभी कोरोना चल रहा है, सबको आइसोलेशन में रखा जाता है, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है बता देते हैं आपको, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि जहां से आप किसी भी चीज को छू देख नहीं सकते हैं, मतलब कि पूरा जैसे पैक होता है तरीके से। तो चलिए बात करते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है ना कि लाइक जहां पे आपने सपोज क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें आपने वाटर को फिल किया, आप इसको हीट कर रहे हो, तो आपने हीट दी, हीट दी तो इसका मैटर जो है वो वेपराइज फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। यानी कि जहां पे सिस्टम अपने मैटर को सराउंडिंग से रिप्लेस करता हो, मतलब कि कंटिन्यूअसली रिप्लेस करता हो, दैट्स अ ओपन सिस्टम। यानी कि वहां पे सिस्टम के अंदर का जो मैटर है, मैटर प्लस एनर्जी, यानी कि मैटर प्लस, हम लोग यहाँ पे हीट कहने से मैटर प्लस हीट, जब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या होती है, एक्सचेंज होती है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम, राइट। अभी हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सपोज आपने क्या किया, एक बॉटल ली, ठीक है, पानी की बॉटल हम जानते हैं, आप उसमें ठंडा पानी कोई भी ठंडा डालो, गर्म डालो, अगर आप डालते हो तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो अगर गर्म है तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, वो कुछ टाइम तक क्या करता है, अपने हीट को मेंटेन करके रखता है। मतलब होता क्या है कि वहां से जैसे ही आपने सपोज क्या किया, ये एक ग्लास था या आपने कंटेनर लिया और ऊपर से आपने इसको ढक दिया, ठीक है, अभी आपने अगेन वाटर डाला, आप हीट कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो, तो देखो हीट तो क्या हो रही है, हीट आपकी एक्सचेंज होती है, हीट इज एक्सचेंज, ठीक है, ये आपकी एक्सचेंज होगी, बट जो इसके अंदर का मैटर होगा वो एक्सचेंज नहीं होता है, राइट। मतलब कि वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा, वो बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाने का क्या होगा भाई, इसकी जो वेपर्स है वो तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक इसको आप खोल ना दो। जैसे बोतल में अगर आपने सपोज आइस भरी है, तो ऐसा नहीं कि आइस तुरंत उड़ के बाहर चली जाएगी, उसको टाइम लगेगा, ठीक है, वो तब तक रहेगी जब तक आप उसके अंदर का जो ढक्कन है वो खोलो, ढक्कन खोल दोगे तो बाहर जाए वो बाहर चल जाएगी, मतलब सराउंडिंग के साथ उसकी जो मैटर की क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये होता है क्लोज सिस्टम में। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है ना बेटा, कि जैसे कि आपने देखा होगा मिलियंस की बॉटल्स आती हैं हीट एंड चिल्स की, तो उसमें क्या होता है कि एक आइसोलेशन का मतलब होता है फिक्स किया, कि जहां पे सपोज आपने कोई भी हीट दी, आप हीट दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, मतलब क्या है कि वो फिक्स है, मतलब आइसोलेट का मतलब हो गया कि जहां से ना तो मैटर आपका बाहर जाएगा, मतलब ना तो मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही उसकी हीट एक्सचेंज होगी, यानी दोनों चीज क्या होगी, फिक्स होगी, फिक्स मतलब कहीं से आप कोई चीज बाहर नहीं ले जा सकते हो। और ऐसा क्यों होता है, जैसे कि होता क्या है कि इसके अंदर एक कोटिंग की जाती है, जो इंसुलेट होता है ना बाहर से, एक कोटिंग होती है सिल्वर की कॉपर के रिस्पेक्ट में, अलॉय फॉर्मेट में बनाते हैं, जिससे क्या होता है कॉपर हीट को मेंटेन करता है और सिल्वर क्या करता है उसकी जो अपर बाहर की लेयर होती है उसको मेंटेन करता है। तो एलॉय फॉर्मेट क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कोई भी बॉटल की जो कॉस्ट होती है, जैसे आप देखो डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोलेटेड बॉटल्स की कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो डिफरेंट उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट सिल्वर का काम होता है, सिल्वर का क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो आइसोलेशन बेटर तैयार होता है, ठीक है, कॉपर तो सही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिल्वर का बहुत अच्छा क्वांटिटी होना चाहिए, तो सिल्वर क्वांटिटी अगर ज्यादा बढ़ाएगा तो वो आइसोलेटेड क्वांटिटीज को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये आपके सामने तीन टाइप में सिस्टम बताया, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, प्लीज को आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ओके। चलिए अब आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में दो प्रॉपर्टी होती है, राइट, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग जान ले, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप जो लिखते हो, मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी होता है कि जिसमें आपका अमाउंट ऑफ मैटर ठीक है एक्सचेंज नहीं होता है, डज नॉट बी चेंज, अमाउंट ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, फिक्स होता है वो इंटेंसिव होता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर क्या होता है, वेरी करता है।
तो अमाउंट ऑफ मैटर अगर वेरी करेगा ठीक है, तो वो एक्सटेंसिव का पार्ट होता है और इंटेंसिव में मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर जो है वेरी नहीं करना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो प्रेशर के बारे में, आप लिख सकते हो टेम्परेचर के बारे में, आप लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हो ये सब आपकी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अच्छा, एक्सटेंसिव में कौन कौन सी होती है, जैसे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। अच्छा हाँ, इसमें आप एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट भी ऐड कर सकते हो, टोटल मोल्स हो गया। फिर आपने लिया डेंसिटी के बारे में, है ना, फिर आपने लिया आपने यहाँ पे फोर्स के बारे में, फोर्स जो आपका होता है, ठीक है। ये सब जो आपकी होती है ये सब क्या होती है, आपकी एक्सटेंसिव। फिर जैसे आपकी होती है एंथैल्पी, एंथैल्पी, फिर आपका होता है वर्क, ये सब जो आपकी होती है ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है बेटा, देखो इंटेंसिव को एक्सटेंसिव ठीक है में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक्सटेंसिव को इंटेंसिव बनाना थोड़ा सा आसान है। कैसे, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ठीक है विच डिफाइन फॉर इंटेंसिव इंटेंसिव, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है अगर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिपेंड कर रही है, इसका मतलब कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के जितने भी प्रॉपर्टी थी वो एक मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है फिक्स नंबर ऑफ मोल्स, वन मोल के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी कन्वर्टेड इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इफ दे आर डिफाइंड फॉर वन मोल, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि वॉल्यूम आपने कहा अगर, तो वॉल्यूम जो होता है वो एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन मैंने कह दिया मोलर वॉल्यूम, तो मतलब वो क्या हो गया आपका इंटेंसिव। जैसे आपने कहा कि भाई मोलर मतलब जानते हैं, मोलर मतलब है एक मोल, मतलब वो इंटेंसिव में हो गया। आपने मोल कह दिया तो मतलब क्या हो गया, वो एक्सटेंसिव हो गया। जैसे कि फोर्स, थोड़ा एग्जांपल देता हूं मैं, आपने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, फोर्स प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लाइक इस टाइप का होता है। तो देखिए फोर्स है, फोर्स क्या है, ये आपका ये जो आप लिख रहे हैं एक्सटेंसिव, बट जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इंटेंसिव होता है। तो ये कई सारी चीजें होती है, अगर आपने एक मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे पहले क्या लिखा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव टाइप्स ऑफ सिस्टम, इन सब के बारे में कवर किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ, तो अब देखिए आगे जो हमारा पॉइंट है या फैक्टर है वो है क्या, ठीक है समझिएगा। अब मैं स्टेट फंक्शन एंड नॉन स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है और नॉन स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो पाथ डिपेंडेंट ना हो, क्या हो बेटा, जो पाथ डिपेंडेंट ना हो, आप चाहे इसको लिख लीजिए, स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच नेवर डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी है और इंटरनल एनर्जी, इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो मतलब स्टेट पाथ डिपेंड ना करे, या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, स्टेट होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, वो नॉन स्टेट होता है, बिकॉज वो क्वांटिटी डिपेंड करता है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे आप वेक्टर और स्केलर में भी सीखते हो, तो ये समझ लीजिए स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। पाथ डज नॉट डिपेंडेंट, एंथैल्पी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये इसके एग्जांपल है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका नीट में पूछा जा चुका है, राइट। अभी देखिए दूसरा फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जो डिपेंड ऑन पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड कर जाए, पाथ पे डिपेंड कर जाए। अब पाथ डिपेंड करने से कैसे रहता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कोई भी काम आप कर रहे हो किसी सिस्टम के थ्रू या करवा रहे हो तो वो कैसा होगा, जाहिर सी बात है वो पाथ फंक्शन हो जाएगा। तो वर्क कैसा हो गया, ये आपका पाथ फंक्शन हो गया। हीट कैसा हो गया, पाथ फंक्शन हो गया, क्योंकि क्वांटिटी आप दे रहे हो उसमें, फिक्स नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, इसको मैं आपको बोल दिया हूं, आप इसको थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी में, और ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ले रहा हूँ, देखिए एक चीज जान लीजिए, फिजिकल अगर आपको बहुत अच्छी करनी है
तो खासकर जो कुछ चैप्टर्स जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इनको जितना आप ग्राफिकली करोगे ना उतना आपके लिए बेटर होगा। ग्राफ से क्या होता है, चीजें कम हो जाती है, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाती है, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस का मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है, खाली बस उसको आप देख लो, उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे हम लोग प्रोसीड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैं P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। जैसे प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, पहला प्रोसेस का मैं नाम लिख रहा हूं आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब होता है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, कोई भी यहां पे लगाया प्रेशर कांस्टेंट मिला वो हो गया आइसोबारिक, वो P वर्सेस V के रिस्पेक्ट में ऐसे चलता है, ठीक। फिर दूसरा होता है आइसोकोरिक, क्योंकि ये ग्राफ बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा गया है भाई, ये होता है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट लिया जाता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट लिया जाता है, राइट। फिर तीसरा होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल जो हमारा होता है वो ये होता है, मतलब जहां पे आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिले, टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा तो आपको एक क्वांटिटी याद होगी, अगर नहीं याद मैं बताऊंगा, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, मतलब डेल्टा यू या फिर आप डेल्टा ई लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट से कोई चीज नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है सिस्टम का जो वर्क डन होता है ना वो जीरो हो जाता है। फिर एक होता है दूसरा, तीसरा फैक्टर लास्ट होता है वो होता है आइसो, सॉरी एडियाबेटिक। क्या होता है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है कि जो भी आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट को हम लोग क्यू से इग्नोर करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हो कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको फिक्स टेंस टू जीरो ले जाइए, हम जीरो मानते हैं बट उसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जैसे टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड इसमें आइसोथर्मल मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका हो गया आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल एंड जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो होता है ये एरिया बेटिक का, ठीक है। तो प्लीज का स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब, ठीक है, और ग्राफ से मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं इसी ग्राफ से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये जो मैंने आपको बताया क्वांटिटी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, पाथ फंक्शन, डिफरेंशियल, तो ये बेसिक टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे और वर्क डन के साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो इस जेईई मेंस में आए थे, ठीक है। तब तक आप इस चीज को पढ़ते रहें अच्छे से, ओके, थैंक यू वेरी मच।